पूर्व सीएम हरीश रावत 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन किए गए हैं। रविवार को दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे हरीश रावत। पुलिस ने हरीश से होम क्वारंटीन का फॉर्म भरवाया है। आपको बताया हरीश रावत फोन के जरिए जनता से संपर्क करते रहेंगे, तो वहीं जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे हरीश रावत। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, हरीश रावत जो है उनको 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम हरीश रावत 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन किए गए हैं। रविवार को दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे हरीश रावत, जिसके बाद उन्हें 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, पुलिस ने हरीश रावत से होम क्वारंटीन का फॉर्म भी भरवाया। हरीश रावत फोन के जरिए जनता के संपर्क में लगातार बने रहेंगे, जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे हरीश रावत। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व सीएम को 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। आपको बता दें, दिल्ली से लौटे थे हरीश रावत और उनको अब होम क्वारंटीन किया गया है। पुलिस ने भी हरीश रावत से होम क्वारंटीन का जो है फॉर्म भरवाया है। तो हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। पंकज, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, हरीश रावत दिल्ली से देहरादून पहुंचे हैं, तो दिल्ली वो किस वजह से गए थे? इस कोरोना काल में भी उन्होंने दिल्ली का दौरा किया और उसके बाद आने के बाद उन्हें 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर दिया गया। देखिए अभिषेक, हरीश रावत राष्ट्रीय नेता हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनकी बेटी भी वहां पर, बेटियां भी वहां रहती हैं, तो वो अपनी बेटियों से मिलने गए थे और एकाएक लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद फिर उनका आना नहीं हो पाया और वो वहीं पे ही कई दिनों तक, और खुद हरीश रावत का घर भी वहीं पे है, तो ऐसे में कई आस्पेक्ट से उससे पहले आसाम के दौरे पर हरीश रावत थे तो वो देहरादून नहीं आ पाए थे। ऐसे में अब उनका यहाँ आना हुआ, जब ढील मिली तो प्रशासन ने उनको लगभग 21 दिन तक जो है वो लगभग कठिन क्वारंटाइन रखने का उनको निर्देश दिया है और साफ तौर पर कहा है कि वो किसी के संपर्क में ना आए। और इसको लेकर हरीश रावत ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो पूरी तरीके से पालन करेंगे और 21 दिन तक वो कठोर क्वारंटाइन का, पूरा सख्त क्वारंटाइन का पूरा पालन करेंगे और उसके बाद 21 दिन के बाद ही वो किसी से मिलेंगे और शारीरिक दूरी को बनाए रखेंगे। तब तक उन्होंने कहा है कि मोबाइल से ही बातचीत करेंगे और जो भी, चाहे मीडिया से जुड़े हो चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम उनसे फोन से बात के लिए वो उपलब्ध रहेंगे। लेकिन अभी 21 दिन वो जो अपने राजपुर रोड में स्थित आवास है वहां पर वो रहेंगे और 21 दिन तक वो सख्त क्वारंटाइन का पालन करेंगे। जी जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।